हेलो स्टूडेंट, तो आपका जेईई मेंस का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और हमने थोड़ा पेपर एनालिसिस भी कर दिया है अकॉर्डिंग टू पेपर जो आपका फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको अगर एक ठीक ठाक एनआईटी में जाने के लिए और आप एक थोड़ा अच्छा ब्रांच अगर चाहिए आपको एनआईटी में, तो उसके लिए आपको कितने मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे वो हम बता देते हैं फटाफट। तो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था, इजी टू मॉडरेट था, ठीक है, वो मैंने बताया है आपको, वीडियो में देख लीजिएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो जनरल कैटेगरी का जो स्टूडेंट है उसको जो मार्क्स है 160 चाहिए। और वहीं अगर बात कर लें EWS का, तो उसके लिए EWS कैटेगरी के बच्चे के लिए 155 मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। OBC के स्टूडेंट्स के लिए आपको 150 चाहिए होंगे और SC कैटेगरी का अगर स्टूडेंट है तो उसको चाहिए 100, और वहीं अगर ST कैटेगरी का स्टूडेंट है तो उसको 90 मार्क्स चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम सेकेंड शिफ्ट के। सेकेंड शिफ्ट थोड़ा सा कंपेयर टू फर्स्ट शिफ्ट से थोड़ा सा टफ था, मॉडरेट लेवल का ही था लेकिन थोड़े टफ क्वेश्चंस थे। तो उसका जो आपका जो उसके लिए आपको अगर ठीक ठाक NIT में एडमिशन चाहिए और ब्रांच भी थोड़ी ठीक ठाक हो, तो उसके लिए आपको 150 मार्क्स चाहिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, और आपका 145 जो है वो चाहिए EWS कैटेगरी के लिए। 140 जो है वो आपको OBC कैटेगरी के बच्चे के लिए चाहिए होगा, और आपका जो SC का स्टूडेंट होगा उसको 90 चाहिए होंगे, और ST कैटेगरी का जो स्टूडेंट होगा वो 80-85 मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे एक ठीक ठाक NIT में एडमिशन्स के साथ साथ एक अच्छा ब्रांच अगर आपको चाहिए तो। थैंक यू सो मच। और अगर आपको काउंसलिंग हमसे करवाना होगा तो हमारा नंबर इसी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप कॉल कर सकते हैं। बाय बाय।